नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। इस सेट में जो है प्रीवियस ईयर के 25 प्रश्न हैं, तो इस सेट को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। ये सेट देखने से आपको जीके जीएस के प्रश्नों का पैटर्न समझ में आएगा और किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों घाघरा नदी जो है ये नेपाल हिमालय से निकलती है। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर टू, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीन, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा को जो है उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पांच, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम जो है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली है। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सातवां, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी से जुड़े थे। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमिलित है? वांचो जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, सही है। गिद्दा जो है पंजाब का है, ये भी सही है। घूमर जो है बिहार का नहीं है दोस्तों। नोग क्रेम जो है मेघालय का है, ये भी सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन थ्री का जो मिलान है ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें कहा है कि कौन सा युग्म जो है गलत ढंग से सुमिलित है। तो थ्री वाला जो है ये गलत ढंग से सुमिलित है। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर होगा। घूमर की बात करें तो घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो है यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्यारहवां प्रश्न है, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, पाइका जो है एक मार्शल लोक नृत्य है,
यह निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पाइका जो है यह उड़ीसा राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बारहवां प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तेरहवां प्रश्न है, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों आत्मीय समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय किए थे। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है पहली बार संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पंद्रहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इमल्शन का एक उदाहरण है? दोस्तों बादल जो है इमल्शन का उदाहरण नहीं है, रतन भी नहीं है, कुहासा भी नहीं है, लेकिन दूध जो है यह इमल्शन का उदाहरण है। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सोलहवां प्रश्न है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया गया था? तो दोस्तों लायन कैपिटल का निर्माण जो है बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया गया था। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सत्रहवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अठारहवां प्रश्न है, प्राइड प्रेजिडिस एंड पिंडिटरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, शशि थरूर। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों भोगाली बिहू उत्सव जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? तो दोस्तों चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो दोस्तों 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेसिंगटन बने। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इनको जो है भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अल्लामेर वर्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों अल्लामेर वर्ली यह जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव यह उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों द किस ऑफ लाइफ यह जो है इमरान हाशमी की आत्मकथा है। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो था इस सेट का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को यह सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए सेट में।